सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाएंगे मावा केक घर पे, और वो भी कढ़ाई में हम बनाएंगे इसे। कोई माइक्रोवेव ओवन की हमें ज़रूरत नहीं है, इसे हम कढ़ाई में ही बड़े आसानी से और बहुत ही अच्छा। इसके लिए मैंने लिया पे 2 चम्मच दही, 2 चम्मच चीनी, 2 चम्मच तेल और 1/2 कप लिया है मैंने ये दूध। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब लेंगे 1 कप हम मैदा और इसमें डालेंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर, सॉरी, जो कि मैंडेटरी है मावा केक है तो, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा, और इसे छान के मिक्स कर लेंगे। बैटर थोड़ा सा मुझे ये थिक लग रहा है तो इसमें मैं 1/2 कप दूध और डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ हमें ऐसी चाहिए। अब हम इसका कट एंड फोल्ड में थोड़ा सा इसको कर लेंगे जो केक के लिए मैंडेटरी होता है। और एक मोड लिया है मैंने, इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया ऑयल से और इसमें हम इस बैटर को कर देंगे ट्रांसफ़र। और इसे जो मैंने ये प्री हीट की हुई कढ़ाई है इसमें हम बेक करेंगे। कढ़ाई को प्री हीट करना ज़रूरी है 10 मिनट के लिए। ये देखिए इसमें रख दिया मैंने और इसे अब ढक देंगे और इसे हम बेक करेंगे 30 से 35 मिनट के लिए कम से कम, और फिर एक बार चेक करेंगे। ढक के हमें इसको बेक करना है। तो 30 से 35 मिनट हमारे हो चुके हैं और अब देखिए इसको एक बार चेक कर लेते हैं कवर इसका हटा के। ये देखिए वाओ, कितना सुंदर लग रहा है ना, अच्छे से पूरा बेक हो चुका है ये। ये देखिए पूरा रेडी है, कहीं से स्टिक हमारी चिपकी हुई नहीं है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ निकाल के पूरा चारों तरफ से कैसा ये बेक हुआ है। ये देखिए कितना अच्छे से ब्राउन कलर आया ये और स्पॉन्जी है पूरा। अब हम इसे डेकोरेट करने के लिए इसको सबसे पहले 3 लेयर्स में कट कर लेंगे। इस तरह की हमें लेयर्स इसकी कट करनी है। और इस पे ये मैंने दूध में चीनी मिला के तैयार किया है, इसको डालना ज़रूरी है, इससे सूखा नहीं लगता। और ये मैंने बनाई थी रबड़ी, रबड़ी से इसको गार्निश करेंगे, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। मावा केक है तो रिच टेस्ट इसका आना चाहिए रबड़ी और ड्राई फ्रूट्स से। तीनों लेयर्स पे अच्छे से रबड़ी लगा देंगे और अच्छे से इसको रबड़ी लगाने के बाद हम ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर देंगे चारों तरफ से। ये देखिए मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है, कितना टेस्टी लग रहा है ना ये केक चारों तरफ से। मैं आपको देखिए इसको दिखा देती हूँ, और आपने देखा होगा बहुत ही जल्दी बन जाता है, कोई इसमें तामझाम नहीं है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट। मिल्क पाउडर आपको पूरा मावा का रिच टेस्ट देगा, रिच एकदम से मिठाई, आपको ऐसा लगेगा कि आप मिठाई खा रहे हो। तो ये हमारा केक बनके तैयार है, आप भी एक बार ज़रूर इसको ट्राई करना प्लीज़, और मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये मावा केक की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।